वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और हर रोज़ की तरह ही ये वीडियो आप सबके सामने है, जहाँ पर मैं आपको क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं वो सब बताऊंगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। लेकिन उससे पहले आप बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के इस सेगमेंट में, इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग कहें। पहली खबर क्या है, उमरान मलिक को लेकर के शोएब अख्तर ने हड्डियाँ टूटने की बात कही है। अब क्या कुछ बोला है आपको आगे पता चलेगा। साथ साथ विराट कोहली से पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने रिक्वेस्ट की है। अब क्या रिक्वेस्ट है वो आपको आगे पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप करे प्लीज़ पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मुकाबले रहे दोनों उसके बारे में, और कल का जो मैच रहा ज़बरदस्त मैचेस देखने के लिए मिले। हालांकि पहला मैच तो लो स्कोरिंग मैच रहा, चेन्नई और गुजरात के बीच में जो हुआ था इसको गुजरात ने अपने नाम कर लिया 7 विकेट से, और एक बार फिर से जीत की जो राह पर है गुजरात की टीम उसको उन्होंने कायम रखा है। दूसरा जो मुकाबला रहा राजस्थान और लखनऊ के बीच में रहा, और इस मैच में राजस्थान को जीत मिली और 24 रनों से उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया। तो कल के मैच का तो हाल ये थे। अब जो बात करते हैं हम आज जो मुकाबला होने वाला है, आज एक और ज़बरदस्त मैच होने वाला है, दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच रहेगा। सबकी नज़रें रहेंगी दोनों टीम्स के ऊपर और दमदार मैच एकदम होने वाला है ये वाला। तो इस मैच के लिए भी आप जा करके हाउस डेट पर अपनी टीम बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस आप सबके लिए वहाँ पर हैं जीतने के लिए। अब बात करते हैं शोएब अख्तर के बयान की। शोएब अख्तर ने उमरान मलिक को लेकर के बयान दिया है। उमरान मलिक सबसे तेज़ गति की गेंदबाजी के लिए जाने जा रहे हैं इस आईपीएल सीज़न में, और उन्होंने 157 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो गेंद फेंकी थी वो आईपीएल इतिहास की तो नहीं लेकिन इस सीज़न की फास्टेस्ट डिलीवरी थी, और सेकंड फास्टेस्ट डिलीवरी बनी है वो ओवरऑल। उनसे पहले शॉन टेट की गेंदबाजी थी, शॉन टेट की एक बॉल थी जो कि 157 किलोमीटर पर आर पॉइंट कुछ और उसमें एडेड थे, और उससे उन्होंने उस स्पीड से उन्होंने गेंदबाजी की थी। लेकिन ये जो उमरान मलिक की गेंद थी इसको लेकर के सब जगह काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और शोएब अख्तर से पूछा गया कि क्या उनको लगता है कि उमरान मलिक उनका फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि उमरान मलिक मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे अपनी हड्डियाँ तोड़ें। तो क्या कुछ मतलब शोएब अख्तर का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उतनी गति की गेंदबाजी करने में जिसका रिकॉर्ड बनाया था शोएब अख्तर ने। 161 किलोमीटर पर आर की स्पीड से की गेंदबाजी थी उनकी, और वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उमरान मलिक को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें बॉडी में वेयर एंड टीयर भी होंगे। तो इसको लेकर के शोएब अख्तर ने यह बयान दिया है। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर अगली खबर क्या है, विराट कोहली से जुड़ी हुई, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी की तरफ से बयान आया है। अब शादाब खान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनसे पूछा गया विराट कोहली की फॉर्म को लेकर के कि क्या विराट कोहली की फॉर्म जो ये जो चल रही है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या फिर आप चाहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आ जाए। तो शादाब की तरफ से जो बयान आता है, शादाब बोलते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच होने वाला है 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में, उसका मज़ा तभी आएगा जब विराट कोहली अपनी पूरी फॉर्म में रहेंगे और एक शानदार मैच देखने के लिए मिलेगा। तो विराट कोहली के लिए उन्होंने बोला है कि मैं चाहता हूं कि वो अपनी फॉर्म वापस हासिल करें और रन्स बनाए वो आकर के बहुत सारे। और विराट कोहली की फॉर्म की चिंता तो अभी सभी को है इस आईपीएल सीज़न में भी, जिस तरह से उनका ये सीज़न गया है काफ़ी ज़्यादा चिंता, और पिछले 3 साल से अभी तक शतक के लिए वो चूक रहे हैं, उनको एक शतक भी नहीं दिखा है अभी तक। तो इस बारे में ये सारी चीज़ें कुछ मिल करके अब पाकिस्तान के खिलाड़ी से पूछा गया, तो उनकी तरफ से क्या बयान आया था वो मैंने आपको बताया है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई विराट कोहली फॉर्म में रहें ताकि दमदार मैच देखने के लिए मिले पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो होने वाला T20 वर्ल्ड कप में। तो इस तरह से कुछ खबरें थी। अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से एक खबर है और बड़ी खबर है ये भी, इसको भी ले लेते हैं। थॉमस कप में भारत ने जीत दर्ज की और 3-0 से उन्होंने इंडोनेशिया को हराया। आखिरी मैच जो था वो उसमें श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया और ज़बरदस्त एकदम ये मैच रहा, और 21-15 से उन्होंने पहला गेम जीता, दूसरा गेम उन्होंने 23-21 से जीता, और इस तरह से कुछ भारत ने इतिहास रचते हुए 73 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि थॉमस कप जीता है। 14 बार का चैंपियन रहा है इंडोनेशिया और उसको हराना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात। तो कुछ इस तरीके से आज की बड़ी बड़ी खबरें थी, और ये जो टीम जीती है अभी, और इस टीम को सरकार की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ और एक बड़ी जीत मिली है भारत को। और बैडमिंटन में लगातार दबदबा भारत अपना मजबूत करता जा रहा है और ये उसमें एक और कदम आगे की तरफ बढ़ाया है। तो इस तरह से जो भी कुछ आज की बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने बताई है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।